हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कोशिश एक्सप्लोरर पे, और हम है कोशिश। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं चिखलदरा। ये एक हिल स्टेशन है और अभी हम अमरावती डिस्ट्रिक्ट के परतवाड़ा शहर में है। यहाँ से कुछ 32 किलोमीटर दूरी पे चिखलदरा आता है। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। वैसे तो शाम का टाइम हो गया, लेकिन वहाँ पे जाके हम रिजॉर्ट पे रुकने वाले हैं। वहाँ का भी नज़ारा दिखाऊंगा मैं आपको। अभी हम परतवाड़ा से निकले हैं, मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से स्टार्ट कैसा लेना है। ये स्टार्ट होता है यहाँ से, परतवाड़ा से बाहर निकलने के बाद ये ऐसा टाइगर दिखेंगे, मेलघाट टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे दिखाया भी है, आप देख सकते हैं चिखलदरा 35 किलोमीटर इधर है और इधर सेमाडो है 47 किलोमीटर। हमें ये रास्ते से जाना है, तो चलो चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एंट्री फी लिया जाता है 50 रुपये का, और यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने गाड़ी में पेट्रोल वगैरह नहीं डाला है तो पेट्रोल डलवा दीजिए, क्योंकि ऊपर पेट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा। चिखलदरा में पेट्रोल पंप है, लेकिन वहाँ पर पेट्रोल ज़्यादातर अवेलेबल नहीं रहता है, और गाड़ी आप पूरी ओके करके आइएगा। और अगर आप नए ड्राइवर है तो एक्सपीरियंस ड्राइवर अपने साथ ले लीजिएगा, क्योंकि रास्ते बहुत ही ख़राब है और पहाड़ियों पे होने की वजह से गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों, यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि आपको जाते वक्त के पूरे नज़ारे दिखा सकूँ और रास्ता भी आपको क्लियर दिखे कि मतलब कितने मोड़ है और कितना ख़राब रास्ता है। फ्रेंड्स, आप लोगों से बार बार एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है आपके या फिर पुरानी गाड़ी है तो प्लीज़ यहाँ मत लेके आइए, क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है और यहाँ कोई गैरेज वगैरह है नहीं। दोस्तों, जैसे ही हम चिखलदरा जाने के लिए पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो वहाँ से मस्त नज़ारे देखने को मिलते हैं। बीच बीच में ऐसे कुछ पॉइंट आते हैं जहाँ पर रुक के हम बाकी के नज़ारे देख सकते हैं। देखिए आप मेरे पीछे हो, ये देखिए ऐसे पॉइंट होते हैं रुकने के लिए। अभी जहाँ पर हम रुके हैं उस पॉइंट का नाम है बजरंग पॉइंट।
इस जगह को छोटा धबधबा के नाम से जाना जाता है। जब ज़्यादा बारिश आती है तो ऊपर से यहाँ पे बहुत बढ़िया वाटरफॉल्स आते हैं। अभी हम चिकलदरा में पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहीं पे हम एक रिजॉर्ट पे रुकने वाले हैं आज। दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही नए नए जगह के बारे में बताते रहेंगे। अभी हम आज सबसे पहले जाने वाले हैं भीवकुंड पॉइंट। ये हम जो रास्ते से हम आए थे यहाँ पर, उधर थोड़ा वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर 2-2.5 किलोमीटर राइट साइड पे टर्न लेना पड़ेगा। तो चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। हम पहुँच चुके हैं भीवकुंड पॉइंट। ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। मैं आपको सामने ले चलता हूँ। यहाँ से दोस्तों हमें वाटरफॉल देखने को मिलता है। देखिए मैं आपको झूम करके बताता हूँ। अभी ज़्यादा बारिश हुई नहीं है इसलिए यहाँ से ज़्यादा पानी नहीं बह रहा है, लेकिन अगर बरसात अच्छी हुई तो यहाँ से जो पानी बरसेगा वो देखने का नज़ारा ही कुछ और होगा। बहुत सारे मंकीज भी देखने को मिलेंगे आपको।
अब हम आगे के सफर पे चलते हैं दोस्तों, तो चलो निकलते हैं अब यहाँ से। अब हम यहाँ से देवी पॉइंट के लिए जाएंगे। ये देखिए आप बोर्ड देख सकते हैं देवी पॉइंट का। अभी हम पहुंच चुके हैं देवी पॉइंट पे। ये देवी पॉइंट का नज़ारा कुछ ऐसे है, देखिए आप। यहाँ ये दुकानें लगी हुई है, ये सवेरे 9 बजे के बाद में ओपन होती है। और यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए भी बहुत सुविधा है। यहाँ आप अपने पार्टनर के साथ साइकिलिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। डबल पैडल की साइकिल होती है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। देख सकते हैं बच्चों को खेलने के लिए कितने मज़ेदार खिलौने या फिर उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है। अभी हम जा रहे हैं देवी पॉइंट के देवी मंदिर में, जो नीचे गुफा के अंदर देवी का मंदिर है। उस मंदिर की वजह से ही इस पॉइंट का नाम देवी पॉइंट है। चलिए अब जाके देखते हैं। देवी पॉइंट से दर्शन लेने के बाद हम चलते ऊपर की तरफ, वहाँ पे भी बहुत मस्त नज़ारा है।
देवी पॉइंट से बाहर निकलने के बाद ये ऐसा सामने एक तालाब है जो शक्कर तालाब के नाम से जाना जाता है। अभी ज़्यादा बारिश नहीं होने की वजह से ये ज़्यादा भरा नहीं है, पानी बहुत कम है इसमें। अभी देवी पॉइंट से निकलकर हम जा रहे हैं गाविलगढ़ फोर्ट की तरफ, चलिए देखते हैं वहाँ का नज़ारा। दोस्तों गाविलगढ़ फोर्ट का जो रास्ता है वो कुछ कारणों की वजह से बंद करके रखा हुआ है, इसलिए अब हम वहाँ से राइट साइड में जाकर देखते हैं उसके बैक साइड का नज़ारा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम भीवकुंड पॉइंट और देवी पॉइंट घूमने के बाद उसके थोड़ा सामने ही गाविलगढ़ फोर्ट है, वहाँ पे जाने वाले थे लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो फोर्ट बंद था, इसलिए हमारा जाना कैंसिल हुआ वहाँ पे। उसके बाद हम हरिकेन पॉइंट की तरफ निकले हैं। रास्ते में ही एक ढाबा है, हरिकेन ढाबा, वहाँ पर हमने अभी खाना खाया जस्ट। अब यहाँ से हम हरिकेन पॉइंट की तरफ जाएंगे।
पॉइंट से निकलकर हम जा रहे हैं गोराघाट पॉइंट के तरफ। ये यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पे है, और वहाँ पे जाने के बाद देखते वहाँ का नज़ारा। रास्ते में कुछ और भी देखने को मिला है, देख लीजिए यहाँ पे। अब जहाँ पे हम रुके हैं इसे बैलेंसिंग स्टोन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे मतलब कुछ स्टोन ऐसे रखे हुए हैं बैलेंसिंग, देख लीजिए आप। टोटल 12 स्टोन एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, देखने में मस्त लगता है ये। तो चलिए, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चालू दिख रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर वो उधर दूसरे घाटी पे दूसरे पॉइंट तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। शायद हो सकता है उड़न का टूला या फिर कुछ बनने का प्लान है, जो भी बनेगा अच्छा बनेगा। आइए देखते हैं। हम गोराघाट पॉइंट पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे प्रवेश बंदा है लिखा है, लेकिन बाजू से छोटा सा रास्ता दिख रहा है, यहाँ से चल के देखते हैं। ये देखिए हमारे प्रणय जी जा रहे हैं, लेकिन देखिए आप देख सकते हैं पूरा कंस्ट्रक्शन चालू है यहाँ पे। वो उधर दूरी पे जो दिख रहा है पॉइंट, वो गोराघाट पॉइंट है, लेकिन पूरा कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है। ये देखिए आप देख सकते हैं इधर डेंजर भी लिखा हुआ है। तो अभी फिलहाल तो हम नहीं जा सकेंगे, हमको यहाँ से रिटर्न ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, गोराघाट पॉइंट से नाराज होकर निकलने के बाद हम इधर सामने सनसेट पॉइंट है उसके तरफ जा रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद यहाँ पे भी रास्ता बंद है, तो इसलिए मतलब इधर भी नहीं जा सकेंगे यार। हर जगह नाराजी हो रही है यार आज तो। लेकिन कुछ ही दिन में ये चालू हो जाएगा, क्योंकि इधर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो ये चालू हो जाएगा। फिलहाल तो बंद है, यहाँ से भी हमें वापस जाना पड़ेगा। ये देखिए मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। ये जो गेट है वो फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है, यहाँ से ये सीधा जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जाता है सनसेट पॉइंट की तरफ, लेकिन फिलहाल कुछ कारणों की वजह से बंद है ये, तो हम नहीं जा पाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इधर मिट्टी वगैरह डाल के तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसलिए हम इधर नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ से हम वापस जाएंगे। चलिए, वहाँ से निकलने के बाद हम जा रहे हैं प्रॉस्पेक्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं वहाँ जाके कैसा नज़ारा है। चलिए, अभी हम पहुंच चुके हैं प्रॉस्पेक्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ देखिए ये देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ ग्राउंड्स रखे हुए हैं, और ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे देखिए कितने प्यार से बना रहे हैं। बेटा हाथ दिखाओ, काम करने में बिजी है सभी। देखिए कितने प्यार से बना रहे हैं ये लोग। यहाँ से ये जो पहाड़ी दिख रही है आगे, जूम करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे है सनसेट पॉइंट, और वहाँ ऊपर जाने के बाद वहाँ से ये साइड में ये जो झाड़ियाँ दिख रही है यहाँ पे, उसके पीछे में हमें सनसेट
देखने को मिल जाएगा। बहुत प्यारा दिखता है। सनसेट बहुत प्यारा ही दिखेगा जब हम उसको लाइव देखेंगे, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, लेकिन आज हमें जल्दी जाना है तो इसलिए हम नहीं देख पाएंगे। और वैसे भी सनसेट पॉइंट बंद था, हमारे नसीब में ही नहीं था वो। चलिए के तरफ से आने के बाद इधर कुछ ही दूरी पर ठाकुर पॉइंट है, वहां पे भी विजिट दे देते हैं। चलिए ये रास्ता है। तो अभी ठाकुर पॉइंट पे पहुंच चुके हम, देखिए अभी हमारे मैक्सिमम पॉइंट कवर हो चुके हैं। यहाँ से वापस जाने के लिए निकलेंगे हम। अभी पहले मार्केट जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे। लेकिन व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों अभी भी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए प्लेस घुमाते रहूँगा मैं आपको। अभी यहाँ से निकलेंगे हम और दिखाता हूँ, अगर नीचे उतरते उतरते कुछ नज़ारे अगर और भी दिखते हैं तो वो भी मैं दिखा दूँगा आपको। थैंक यू, देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं पवन चक्की, जो हमारे विदर्भ में ये एकमेव जगह है जहाँ पे हमें पवन चक्की देखने को मिलेगी। उधर पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ ये बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पूरे विदर्भ में ये एकमेव ऐसी जगह है चिखलदरा, जहाँ पे हमें पवन चक्की देखने को मिलेगी। तो ये मिस मत कीजिएगा, मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ, उसके तरफ जाने का रास्ता भी है। देखिए दोस्तों, ये रास्ते से हम जाएंगे तो हम सीधा पवन चक्की के पास जाकर पहुँचेंगे। वहाँ से हमें बहुत ही करीब से पवन चक्की देखने को मिलेगी। आप चिखलदरा आने के बाद इसे मिस मत कीजिएगा। मेन रास्ते से कुछ 1.5 किलोमीटर दूरी पे आता है ये।
दोस्तों इस प्रकार आज हमने हमारा टूर कंप्लीट कर लिया है। जहाँ से हमने शुरुआत की थी परतवाड़ा, वहाँ पे हम वापस आ चुके हैं। ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये वही प्लेस है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। काफ़ी अच्छा रहा हमारा आज का टूर, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। हमारे बाकी मेम्बर्स बच्चे सो गए तो कार में बैठे हैं। ये हमारे प्रणय जी, देखिए। हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लेके आएंगे और नए नए जगह घुमाते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं दोस्तों, बाय।